प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल रा बारासाता में जनसभा ने कर्या संबोधित कया भाजपा नारी शक्ति ने बना रही है विकसित भारत री शक्ति। जयपुर में शक्ति वंदन अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो वर्चुअली माध्यम से कर रहा है संवाद कार्यक्रम। मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और कृषि मंत्री समेत कई महिलाएं हुई शामिल। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एसआई भर्ती पेपर लीक मामला ने लेर एसओ जीरा प्रमुख वीके सिंह ने सौंपा सबूत। क्या मामला में लाडली कांग्रेस सरकार और कई पूर्व मंत्री और विधायक भी हा शामिल। जयपुर समेत प्रदेश का 7 बड़ा शहरों में 500 इलेक्ट्रिक बसा करी जावेली संचालित। राज्य सरकार बसा उपलब्ध करवा बारी स्वीकृति करी जारी। प्रदेश में हाल ही में हुई बारिश और उत्तरी हवाओं से सर्दी रो असर बढ़ो। राज्य के अधिकांश भागों में तापमान औसत से 304 डिग्री सेल्सियस नीचे करो गयो है दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हो दूरदर्शन समाचार। दोपहर 1 बजे राजस्थानी समाचार में आप रो स्वागत है सा। और अब खबरें देखा हां विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कया के भारतीय जनता पार्टी नारी शक्ति ने विकसित भारत री शक्ति बना रही है। महिलाओं पूरा देश में नारी शक्ति वंदन में आज शामिल हुई। प्रधानमंत्री आज पश्चिम बंगाल रा बारासात में जनसभा ने संबोधित करया। इन दौरान वणा कया के बीजेपी सरकार पश्चिम बंगाल रा विकास खातर ईमानदारी से काम कर रही है। प्रधानमंत्री विपक्ष ने घेरता थका कया के एनडीए री वापसी से इंडी गठबंधन नाला बोखला गया है। इनसे पहली प्रधानमंत्री आज कोलकाता में 15,400 करोड़ रूपया की परियोजना वाली शुरुआत करी। इन मौके वणा देश री पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा रो भी उद्घाटन करया। प्रधानमंत्री मेट्रो रेल माए यात्रा कर छात्रा सु संवाद भी करया। आपने परंपराओं को भी तोड़ा है। पुरुषों की मैराथन तो सुना करते थे, लेकिन इस बार गांव गांव हमारी माताएं बहनें बेटियां नारी शक्ति बंधन के लिए दौड़ लगा रही थी। पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही थी। मैं उन छोटी छोटी बेटियां दो दिन पहले स्कूटी पर पूरे देश में उन्होंने अपने ताकत का परिचय करा दिया। और इस सब के लिए इतने बड़े भव्य आयोजन के लिए मैं आपको जितनी बधाई दूं, जितना अभिनंदन करूं, उतना कम है। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करके बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, यहां आने से पहले मैं कोलकाता में एक कार्यक्रम में था। वहां मैंने भारत सरकार की अनेक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। आज एक साथ कोलकाता मेट्रो, पुणे मेट्रो, कोची मेट्रो, आगरा मेट्रो और नमो भारत ट्रेन से जुड़े नए रूट्स का विस्तार हुआ है। देश के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आधुनिक बनाना भारत सरकार की प्राथमिकता है। कोलकाता तो वो शहर है जिसकी मेट्रो को देखकर कितनी ही पीढ़ियां बड़ी हुई है। मैं बचपन में जब पहली बार कोलकाता आया तो एक आकर्षण था
जरा मैं मेट्रो देखूं, लेकिन आज कोलकाता की मेट्रो इस बात की भी गवाह है कि बीजेपी सरकार कितनी तेजी से काम करती है। 2014 से पहले के 40 सालों में कोलकाता मेट्रो का सिर्फ 28 किलोमीटर रूट बना था। आपको आंकड़ा याद रहेगा, मैं जो कह रहा हूं याद रहेगा, जरा आप बताएंगे तो पता चलेगा, याद रहेगा। 40 साल में 28 किलोमीटर, ओनली 28 किलोमीटर, जबकि बीजेपी सरकार के बीते 10 साल में कोलकाता मेट्रो का 31 किलोमीटर और विस्तार हो चुका है। शक्ति वंदन अभियान रे तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली संवाद कर्या। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी जुड़िया। जयपुर रा दुर्गापुरा स्थित कृषि प्रबंधन संस्थान रा सभागार में आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा समेत कई महिलावा शामिल हुई। प्रदेश में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में फर्जीवाड़ा और पेपर लीक रा मामला में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी 14 प्रशिक्षु एसआई समेत 16 लोगों ने गिरफ्तार करो है। इन में परीक्षा टॉपर और कुछ एक महिला प्रशिक्षु भी शामिल है। एसओजी रा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक वीके सिंह बताया कि परीक्षा रो पेपर जयपुर रा हसनपुरा में शांति नगर स्थित रविन्द्र बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल सू लीक करो गयो हो। इन संबंध में केन्द्र अधीक्षक राजेश खंडेलवाल ने भी गिरफ्तार करो गयो है। हमने भी सेंटर का एक आदमी को हमने अरेस्ट कर दिया है। वो हसनपुरा के पास में स्कूल है, वहाँ से पेपर आउट हुआ था। अभी तक इस मामले में सेंटर सुपरिटेंडेंट की गिरफ्तारी हुई। आप लोगों के कवरेज के कारण और जो ये न्यूज होने होने से गया है उसके कारण जो नौजुवक है उनमें जबरदस्त भरोसा और उत्साह बढ़ा है। सुबह से जो हमारा टेलीफोन है उस पर लगातार सूचनाएं आ रही है। हेल्पलाइन और मोबाइल दोनों पे सुबह से लगातार लोगों का फोन धन्यवाद देने के लिए और सूचना उसकी बाढ़ सी आ गई है। आप सूचना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसको हम इकट्ठा कर रहे हैं और हमारे अनुसंधान का वो पार्ट बनाएंगे जो सूचना। कैबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा इन भर्ती माए हुआ फर्जीवाड़ा और पेपर लीक नलेर जयपुर माए एसओजी रा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक वीके सिंह ने सबूत सौंपया। डॉ. मीणा कल एसओजी मुख्यालय माए एडीजे वीके सिंह से मुलाकात करी। उन पछे डॉ. मीणा कहा कि इन मामला माए पहले भी कांग्रेस सरकार ने अवगत करायो हो, पर उ टेम कोई कार्रवाई नहीं करेगी। अब भाजपा सरकार आ बारे पछे एसओजी इन माथे लगातार कार्रवाई कर आरोपियों ने पकड़ रही है। डॉ. मीणा कांग्रेस माथे आरोप लगाता थका कहा कि इन मामला माए लाडला कांग्रेस सरकार रा कई पूर्व मंत्री और विधायक भी शामिल है। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा आरएएस 2021 मुख्य परीक्षा माथे भी कई गंभीर सवाल उठाया। बालघाट थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है, उस दौरान दर्ज हुआ था 298/2021, जिसमें एक व्यक्ति ने पेपर पास कराने के उस इलाके के 92 लाख रुपए इकट्ठे हुए किए, उसका मर्डर कर दिया, निर्दोष लोगों को पुलिस ने डाल दिया, असली लोगों को छोड़ दिया और 92 लाख की बरामदगी भी नहीं की। तो मैंने इनको कहा है कि उसकी बरामदगी करो और पुलिस को कहो किसने मारा, असली मुलजिमों को पकड़ो और पेपर लीक करने वालों को पकड़ो, उन्होंने भरोसा दिया है। प्रदेश रा 7 बड़ा शहर में 500 इलेक्ट्रिक बसा संचालित करी जावेली। राज्य सरकार या बसा उपलब्ध करवा बारी स्वीकृति जारी कर दीनी है। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी बताया कि बजट घोषणा री क्रियान्विति माय जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर और उदयपुर शहर माय नगरीय बस सेवा खातर 500 इलेक्ट्रिक बसा उपलब्ध करवाई जावेली। वणा कया के इलेक्ट्रिक व्हीकल ने बढ़ाओ देबा सु पेट्रोल डीजल री बचत वैली, बटे पर्यावरण प्रदूषण भी कम वैलो। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी राजस्थान स्टेट गैस कोटारा 10वां सीएनजी स्टेशन रो वर्चुअली उद्घाटन कर्या।
इन दौरान कार्यक्रम माए वणा देश रा 201 स्टेशनरी भी शुरुआत करी। कार्यक्रम माए केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी कया क ग्रीन एनर्जी री दिशा माए आगे बढ़वा खातर सीएनजी और पीएनजी रो अपनाणो वहलो। कार्यक्रम माए राजस्थान स्टेट गैस रा प्रबंध निदेशक रणवीर सिंह भी भाग लिया। जैसलमेर जिला री गौशालावां माए व्याप्त अनियमितता वाले चालता 6 कार्मिका ने निलंबित कर दियो गयो है। साथ ही वनारे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कराई जाबारा आदेश दिया है। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत बताया कि लाडला लंबा टेम सु जैसलमेर जिला माए संचालित गौशालावां माए बड़ी अनियमिततावां और अनुदान संबंधी शिकायतां मिल रही है। वणा कया कि राज्य सरकार गौ सेवा खातर कृत संकल्पित है। झालावाड़ माए जिला प्रशासन और आयुर्वेद महकमा कानिसु 4 दिवसीय संभाग स्तरीय आरोग्य मेला रो आयोजन करियो जा रियो है। मेला रो पूर्व आरपीएससी चेयरमैन श्याम सुंदर शर्मा उद्घाटन करया। कार्यक्रम ने संबोधित करता थका वणा कया का आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है कि जिन रो लोहो पूरो विश्व मान्यो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर माए आयुर्वेद चिकित्सा रा प्रचार प्रसार खातर कई महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस रे मौके शुक्रवार ने प्रदेश में महिलावां और बालिकावां रोडवेज बसारी यात्रा निशुल्क कर सकेली। इन संबंध में रोडवेज अध्यक्ष श्रेया गुहा आदेश जारी कराया है। रोडवेज री कार्यकारी निदेशक डॉ ज्योति चौहान बताया कि 8 मार्च ने राजस्थान रोडवेज री सगली साधारण और एक्सप्रेस बसा माए राज्य री सीमा माए यात्रा करवा वाली सगली महिलावां और बालिकावां ने निःशुल्क यात्रा री सुविधा दी जावेली। जयपुर रा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में 20वां रूपक महोत्सव रो आयोजन करो गयो। कार्यक्रम में जयपुर पुलिस कमिश्नर बिजू जॉर्ज जोसफ प्रोफेसर राजकुमार शर्मा और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय रा पूर्व निदेशक प्रोफेसर भगवती सुदेश समेत कई लोग शामिल हुआ। समारोह में कमिश्नर जॉर्ज जोसफ कया कि संस्कृत भाषा रो दूजी भाषा वाले साथ जुड़ाव है। आज सगला ने संस्कृत भाषा रा प्रचार प्रसार खातर काम करनो चाहिए। अब देखा हाँ खबरों माए प्रदेश मौसम को कई हमिजाज। प्रदेश माए हाल ही माए हुई बिरखा और उत्तरी हवा प्रभाव सु सर्दी रो असर बढ़ गयो है। राज्य रा अधिकांश भाग माए तापमान औसत सु 3 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज करियो जा रियो है। अगला 2-3 दिन माए तापमान औसत सु नीचे दर्ज होगा और मौसम शुष्क रेबारी संभावना है। आज सबसे कम तापमान हनुमानगढ़ जिला रा संगरिया माए 4.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज करियो गयो। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि आगामी 10-12 मार्च ने एक पश्चिमी विक्षोभ रो आंशिक प्रभाव हो बारी संभावना है। आगामी 2-3 दिन उत्तरी हवाओं का आंशिक प्रभाव बना रहेगा। हालांकि न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी, फिर भी अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान औसत से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस कहीं कहीं कम दर्ज होने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा आगामी 5-6 दिनों तक अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। हालांकि एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बादलों की आवाजाही देखी जा सकती है। इसके बाद 10 से 12 मार्च के दौरान एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसका आंशिक प्रभाव जो है वो खासकर पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में कहीं कहीं बादलवाही के रूप में और कहीं कहीं थंडरी डेवलपमेंट के रूप में देखा जा सकता है। खबरा माय टेम है खास और मोटी खबर एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल रा 12-7 माय जनसभा ने कराया संबोधित। कया भाजपा नारी शक्ति ने बना रही है विकसित भारत री शक्ति। जयपुर माय शक्ति वंदन अभियान रे तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो वर्चुअली माध्यम सु कर रिया है संवाद कार्यक्रम। मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष और कृषि मंत्री समेत कई महिलावां हुई शामिल। कैबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा एसआई भर्ती पेपर लीक मामला न लेर एसओजी रा प्रमुख वीके सिंह ने सुपिया सबूत। कया मामला में लाडला कांग्रेस सरकार रा कई पूर्व मंत्री और विधायक भी हा शामिल। जयपुर समेत प्रदेश रा 7 बड़ा शहर में 500 इलेक्ट्रिक बसा करी जावेली संचालित। राज्य सरकार बसा उपलब्ध करवा बारी स्वीकृति करी जारी।
और प्रदेश में हाल ही में हुई बारिश और उत्तरी हवाओं से सर्दी रो असर बढ़ो। राज्य रा अधिकांश भागा में तापमान औसत से 3-4 डिग्री सेल्सियस नीचे करो जा रही है दर्ज। इंडा साथ ही और राजस्थानी समाचार बुलेटिन अठही पूरो हुयो सा। नमस्कार।